अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ क्या इलेक्ट्रिक चीज़ों के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं या कम हुए हैं या अपनी जगह पर ही स्टॉप हैं। जबकि सम टाइम कस्टमर्स आते हैं हमारी इलेक्ट्रिक शॉप पर, तो आते ही उनका पहला सवाल होता है कि आपकी चीज़ों के रेट्स भी अप हुए हैं या डाउन हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज की ये छोटी सी वीडियो बनाई जाए, जिसमें आपको भी बताया जाए कि इन चीज़ों के रेट्स किस जगह पर हैं, ज़्यादा हैं कम हैं। तो आप वीडियो को एंड तक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक की मेजर चीज़ें कौन सी हैं, मेजर आइटम कौन सी होती है। और मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर आप एक नया घर बनाते हैं तो उस घर में जो आपका मेन खर्चा होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर पर होता है। उसके बाद जो आपकी चाइना फिटिंग के बोर्ड्स होते हैं, शीट्स होती हैं, उन पर होता है। और तीसरे नंबर पर बात की जाए तो जो डीपी में ब्रेकर्स लगते हैं, ये मेजर तीन आइटम्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 2 लाख का एक मकान का वायरिंग का सामान बना है तो इसमें तकरीबन 1.5 लाख की ये सिर्फ 3 आइटम्स ही होंगी जो सबसे महंगी होती हैं। तो अब बात की जाए कि इलेक्ट्रिक वायर के रेट्स क्या वाकई ही बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़े हैं इलेक्ट्रिक वायर के। जो कॉइल एक साल पहले 329 का हम अच्छे वाला कॉइल 2000 का सेल करते थे, वो इस टाइम उसका मौजूदा रेट है 3500। जबकि इस तरह 729 की बात की जाए तो वो 4000 का कॉइल होता था अच्छे वाला फुल गेज, जबकि अब उसकी कीमत की बात की जाए तो वो 6500 का आपको मिलेगा किसी अच्छी कंपनी का 729 का कॉइल। इसी तरह बात की जाए चाइना फिटिंग शीट्स की, जो कि स्मार्ट कंपनी की चाइना फिटिंग, मेरे इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो वाली चाइना फिटिंग की 8x2 की एक साल पहले शीट का रेट था 500 रुपये, जो कि अब मौजूदा बात की जाए तो वो 850 रुपये की वही शीट 350 रुपये एक साल में उसका रेट बढ़ चुका है। और उसके बाद बात की जाए ब्रेकर्स की, जो कि सिंगल ब्रेकर जो हम 200 का सेल करते थे वो अब तकरीबन 450 रुपये का हो चुका है। इसी तरह LED बल्ब्स हैं और ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होती हैं, हर चीज़ के रेट बहुत ही ज़्यादा अप हुए हैं। और सीलिंग फ़ैन की बात की जाए तो सीलिंग फ़ैन पिछले साल हम सेल करते थे 3500 का, जो सबसे अच्छे वाला सीलिंग फ़ैन था, और इस सीज़न में हमने उनको सेल किया है 6000 का, जो कि 2500 पर सीलिंग फ़ैन का रेट बढ़ा है, जो अच्छी क्वालिटी के कॉपर वाइंडिंग पे फैंस हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया कि वाकई ही इलेक्ट्रिक की चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये स्टॉप नहीं हो रहे। तो बढ़ती महंगाई के साथ पाकिस्तान में हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया फ्रेंड्स।